आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपको भी डाउट है गूगल एडसेंस अकाउंट किस जीमेल से बनाना चाहिए, मैं आपका इस वीडियो में डाउट क्लियर करने वाला हूँ और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा किस जीमेल आईडी से आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना चाहिए, क्या जिस मेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है उसी मेल आईडी से आप अपना गूगल एडसेंस बनाना चाहिए। मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ और आपके सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं गलती क्यों, मैं चाहता हूँ आप लोग वो गलती ना करें, ठीक। बहुत से लोग यहाँ पे क्या होते हैं उसी जीमेल आईडी से अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं, वो गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं एटीएस टेक सपोर्ट। आज वीडियो में बात करने वाला हूँ गूगल एडसेंस अकाउंट किस जीमेल आईडी से बनानी चाहिए, सारा कुछ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ और सारा कुछ आपके समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गूगल एडसेंस अकाउंट अपने उस जीमेल से बनाते हैं जिस जीमेल से उनका अकाउंट रहता है, मतलब यूट्यूब चैनल रहता है उसी जीमेल से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, ठीक। तो ठीक, वहां से बन जाता आपका सारा कुछ वेरीफाई होता बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आगे चल के आपको शायद कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। देख कभी कभार क्या होता है, जैसे आपका चैनल डिलीट हो जाता है, ठीक, कुछ भी हो जाता है, ठीक, तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट भी साथ ही साथ क्या डिलीट हो जाता है। देखिए जिस मेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल रहेगा उसी मेल आईडी से क्या आपका गूगल एडसेंस अकाउंट रहता है। क्या होता है, जैसे आपका YouTube चैनल डिलीट होगा तो मेल आईडी भी गई, आपका गूगल एडसेंस भी दोनों साथ साथ चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका जैसे गूगल एडसेंस में जो भी अर्निंग रहती है आपकी, वो अर्निंग क्या हो, आपकी अर्निंग नहीं मिलती आपको, वो भी अर्निंग साथ साथ चली जाती है। मतलब यहाँ पे आपका नुकसान ही होता है, जब आप उसी मेल आईडी से बनाएंगे तो क्या आपका यहाँ पे सारा कुछ नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाना है, आपको किसी दूसरी मेल से बनाना है, एक नई मेल आपको क्रिएट करनी है, उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट एक नई मेल से बनाना है। आप सबको पता है आपके पिन कार्ड से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट एक ही बार बनता है, मतलब आपका कभी नहीं बनेगा दोबारा, एक ही बार आपका यहां पे गूगल एडसेंस अकाउंट बनेगा आपके नाम पे। अदर व्यक्ति के नाम आप बना सकते हैं लेकिन आप अपने नाम पे एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट बना पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना, आप क्या करना, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। मैं भी गलती कर दिया, मैं क्या कर लिया, अपने उसी YouTube मेल से, YouTube चैनल मेरा चल रहा है उसी मेल से मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट चल रहा है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, आपको क्या करना, अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा रहे हैं तो आप करना है, एक मेल से आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना और एक मेल से आपका YouTube चैनल ऑलरेडी रहेगा, तो क्या करना, मेल आपको चेंज करना है, एडसेंस दूसरे मेल से बनाना है और वो YouTube चैनल आपको दूसरे मेल से बनाना है। देखिए आपका सारा कुछ अटैच हो जाएगा, आपकी पेमेंट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी नहीं रुकेगी, लेकिन आपको अलग अलग करना है। अलग अलग क्यों करना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अलग अलग इसलिए आपको करना है, अगर आप साइट भी चला रहे हैं, मतलब वेबसाइट आप चला रहे हैं, अगर वेबसाइट आप ऐड करते किसमें गूगल एडसेंस में अलग मेल से रहे, तो क्या आपका गूगल एडसेंस आपका सेफ बचा रहेगा। अगर किसी कारणवश आपका यूट्यूब चैनल डिलीट होता है, क्या गूगल एडसेंस अकाउंट आपका सेफ बचा रहेगा, वो दूसरे मेल से रहेगा। जब सेफ बचा रहेगा तो जो भी अर्निंग होगी आपकी यूट्यूब की, वो भी आपकी अर्निंग मिल जाएगी और जो आपकी साइट है उसका भी आपको सारा कुछ अर्निंग आपको सेफ मिल जाएगा, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट सेफ रहेगा। नया चैनल क्रिएट करके उसमें अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मतलब आपका गूगल एडसेंस अकाउंट सेफ रहेगा, जाएगा क्या आपका यहाँ पे यूट्यूब चैनल जाएगा, गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं जाएगा। इसीलिए आप सबको ये गलती नहीं करनी, आपको अलग अलग सारा कुछ करना है, दूसरे मेल से अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना। मेरे में कुछ कमेंट आए थे, मुझे लगा आप सबको एक प्रॉपर वीडियो बना दें ताकि आपके सारा कुछ समझ में आ जाए आपको क्या करना है। देखिए अलग अलग रहेगा, दोनों अटैच हो जाएगा, अलग अलग मेल से रहेगा, अलग मेल से आपका यूट्यूब चैनल रहेगा, अलग मेल से गूगल एडसेंस अकाउंट रहेगा, दोनों अटैच हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, सारा कुछ आप दोनों को जोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, ठीक ना, आपको पेमेंट के लेके, ठीक, आप कभी भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं जो मैं आपको बताया हूँ, अलग अलग दोनों करते हैं, दोनों यूट्यूब चैनल अलग मेल से, गूगल एडसेंस अलग मेल से, इससे करेंगे आपको प्रॉफिट बहुत कुछ मिलने वाला, आपका पेमेंट सेफ बच जाएगा। अगर कभी कभार आपका यूट्यूब चैनल डिलीट होता किसी कारण, बस भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, कभी कभार होता तो आपका पेमेंट सेफ बच जाएगा यूट्यूब का, आप उस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में इजीली ला सकते हैं। और जो कभी साइट जोड़ेंगे ना, साइट का आपका पेमेंट सारा कुछ सेफ बच जाएगा, और जो भी आप यहाँ पे नया चैनल क्रिएट करेंगे उस चैनल में अपना गूगल एडसेंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मेल से बनाएंगे ना, यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल तो जाएगा साथ साथ आपका गूगल एडसेंस भी चला जाएगा, इसीलिए आपको ये गलती कभी नहीं करनी, आपको दूसरे मेल से यहाँ पे अपना गूगल एडसेंस बनाना, यही सारा कुछ आपको मुझे बताना था। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि अलग अलग से होगा कोई प्रॉब्लम, कोई भी कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक, आपको एक यहाँ फायदा ही हो रहा, जो मैं आपको बताया यहाँ पे आपको एक फायदा ही मिल रहा, ठीक। अगर आपका चैनल कभी कभार डिलीट हो जाए, आपका गूगल एडसेंस आपका सेफ बचा रहेगा। मैं भी गलती कर दिया, मैं अपने वही मेल से जिस मेल से मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ उसी मेल से मैं अपना गूगल एडसेंस बना लिया हूँ। लाइफ में एक व्यक्ति का एक ही बार
बनता है गूगल एडसेंस। एक बार वेरीफाई आपके पैन कार्ड से होता है आपके नाम पे एक बार ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है। इसीलिए आपको ऐसा गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है ताकि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट सेफ रहे, लाइफ टाइम के लिए सेफ रहे। अलग मेल से बनाना है, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट लाइफ टाइम के लिए सेफ रहेगा। यही सारा कुछ आपको बताना, शायद ऐसा कुछ सारा कुछ समझ में आ चुका होगा गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाना चाहिए, आपको किस मेल से बनाना चाहिए, यूट्यूब चैनल मेल से या अलग से आपको मेल क्रिएट करके बनाना चाहिए, शायद ऐसा कुछ सारा कुछ समझ में आ चुका। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह यूट्यूब से वीडियो को मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।